हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनु और आपका अनु मास्टर माइंड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अंडा बिरयानी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैं यहाँ पर अंडा बिरयानी बनाने के लिए एक कटोरी इंडिया गेट बासमती चावल ले रही हूँ। अब हम इस कटोरे में इस चावल को डाल देंगे और चावल को 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो मैंने चावलों को अच्छे से धो लिया है, अब हम इसमें पानी डालकर रख देंगे। कभी भी आप अंडा बिरयानी बनाएं तो बासमती चावल का ही इस्तेमाल करें। इससे अंडा बिरयानी लंबे चावलों की बनकर तैयार होती है और काफ़ी खिली खिली बनती है। अंडा बिरयानी लंबे चावलों की ही बनानी चाहिए। अब हम इसे ढककर रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। जब तक हमारे चावल भीग रहे हैं तब तक हम ग्रेवी बनाने के लिए प्याज को काट लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं, इनको मैं लंबे लंबे पीसेस में काट लूँगी। और 1 टमाटर लिया है, इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। 2 हरी मिर्च ली है, इसको मैं लंबे पीसेस में कट करूँगी। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली हैं, इनको मैं कद्दूकस कर लूँगी। तो अब मैं इन सारी चीज़ों को कट कर लेती हूँ। तो सारी चीज़ों को हमने कट कर लिया है, टमाटर का भी हमने पेस्ट बना लिया है, अदरक लहसुन को हमने क्रश कर लिया है। आप अदरक लहसुन को क्रश करके भी डाल सकते हो और इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हो। 15 मिनट हो गए हैं चावल को भीगे हुए, अब हम इसका पानी निकाल देंगे। यहाँ मैंने एक बर्तन में पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैंने लिया है 2 इलायची, 4 लौंग और कुछ काली मिर्च के दाने, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पत्ता। अब हम इन सारी चीज़ों को इस पानी में डाल देंगे। अब हम डाल देंगे इसमें 1/2 काट का नींबू का जूस। नींबू का जूस डालने से चावल बहुत ही खिला खिला बनता है, एक एक दाना खिलकर निकलेगा। वैसे तो बासमती चावल खिला खिला ही बनता है, लेकिन नींबू का जूस डालने से और भी ज़्यादा एक एक दाना खिलकर निकलेगा। अब डालेंगे इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल, इसको मिला लेंगे। अब इसी के अंदर हम चावल को भी डाल देंगे जो भिगा के रखे थे। और इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको 80% तक कुक कर लेंगे। इसको ढक देंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे। अब हम चावल को चेक कर लेंगे, चावल हमारे बॉईल हो गए हैं। अब हम इसका पानी निकाल देंगे, गैस को बंद कर देंगे। तो चावल का पानी हमने निकाल दिया है, अब हम इसको रख देंगे साइड में। ये चावल 7 से 8 मिनट में ही पक जाते हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में। चावलों को ज़्यादा नहीं पकाते हैं, अगर हम ज़्यादा पका देंगे तो चावल जो है घुट जाएगा। हमें 80% तक ही कुक करना होता है चावलों को। तो चावल को तो हमने कुक कर लिया है, अब हम अंडों को फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने उबले हुए यहाँ पर 5 अंडे लिए हैं। अब अंडों में हम 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, इसी में हम 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और अंडों के ऊपर हम छोटे छोटे छेद कर देंगे ताकि मसाला इसके अंदर तक चला जाए। और जब हम अंडों को फ्राई करेंगे तो ये अंडे तेल में फटेंगे नहीं, इसीलिए हम इसके ऊपर छेद करते हैं। तो अंडों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। अब इसके अंदर हम 1-1 अंडा डालकर फ्राई कर लेंगे। अंडों को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। गैस की फ्लेम को हम मीडियम हाई रखेंगे। तो आप देख सकते हो अंडे हमारे बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई हुए हैं, इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया कलर आया है। अंडे हमें इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं, तब हम उनको निकाल लेते हैं। अब इसी तेल में हम डालकर प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हो
प्याज भी हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई हुआ है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। अब इसी तेल में हम डालेंगे खड़े मसाले। खड़े मसाले हम वही डालेंगे जो हमने चावल को उबालते टाइम डाले थे। इसमें हम एक साबुत लाल मिर्च डाल देंगे और ये सारे खड़े मसाले डाल देंगे। इसको हम हल्का सा भून लेंगे। अब इसी में हम डाल देंगे अदरक लहसुन क्रश करा हुआ। आप लहसुन खाते हो तो डाल सकते हैं, नहीं खाते हो तो स्किप भी कर सकते हैं। इसी में हम हरी मिर्च डाल देंगे दो कटी हुई और इसको हम भून लेंगे। लहसुन अदरक को हमने भून लिया है। अब इसी में हम फ्राई किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज मैं इसमें आधा डालूंगी और आधा बचा लूंगी क्योंकि मैं चावलों के ऊपर लेयर बनाऊंगी। अब डालेंगे इसके अंदर एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब हम ये सारे मसाले भून लेंगे हल्के से। तो मसाले हमारे भुन गए। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी जो हमने बना के रखी थी। इसी के साथ डाल देंगे आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम टमाटर की प्यूरी को भी भून लेंगे। तो सारे मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच दही। अब हम दही को चलाते रहेंगे ताकि ये फटे नहीं, लगातार चलाएंगे, बंद नहीं करेंगे। बंद कर देंगे तो दही हमारी फट जाएगी, तो हम इसको बंद नहीं करेंगे, चलाते रहेंगे। दही ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना दही के बगैर भी बना सकते हैं। ये दही के बगैर भी बनती है अंडा बिरयानी। अब हम डाल देंगे इसमें एक चम्मच चिकन मसाला, एक चम्मच चाट मसाला डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अगर आप बिरयानी चटपटी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, आधा कप, और इसको चला लेंगे। और अब हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे। 3 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हो मसाले हमारे बहुत ही बढ़िया तरीके से पके हैं। इसके ऊपर तेल तेल ही दिखाई दे रहा है। अब हम डाल देंगे इसमें अंडे जो हमने फ्राई करके रखे थे, और इसी में हम डाल देंगे एक अंडा तोड़कर। इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि जो हमने अंडा तोड़ के डाला है वो पक जाए। अंडा जो हम तोड़ के डालते हैं तो उसके जो पीसेस आते हैं ना वो हमें बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। आप अंडे को तोड़कर भी डाल सकते हैं और साबुत भी डाल सकते हैं। तो अंडा भी हमारा पक गया जो हमने तोड़ के डाला था। अब हम इसमें डाल देंगे चावल को जो हमने चावल बॉईल करके रखे थे, और इन चावलों को मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर हम फ्राई किया हुआ प्याज को डालेंगे। अब इसी के ऊपर हम फिर से चावल को डाल देंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लाजवाब बनकर तैयार हुई है अंडा बिरयानी। तो देखिए फ्रेंड्स, अंडा बिरयानी सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही बढ़िया कलर निकल कर आया है अंडा बिरयानी का। तो लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म अंडा बिरयानी बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। अब आप इसे कचूमर के साथ खाइए या फिर ऐसे ही खाइए। ये अंडा बिरयानी ऐसे ही खाने में अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको मेरी अंडा बिरयानी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ये फ्री है। तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आए तो ढेर सारे प्यार के साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में लाइक शेयर कर दें। मैं ऐसी ही नई नई रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।